आप सभी के पास है ना हिंदी सुलेख माला बुक। चलिए इस बुक में पेज नंबर आपको मैंने ये पढ़ाया था ना, सिखाया था, आपने सभी लिखा था ना, तो चलिए एक बार हम फिर से पढ़ लेंगे। क ल श कलश, क प्लस ल प्लस श कलश, ह प्लस व प्लस न हवन, म प्लस ह प्लस ल महल। ओके, कलश हवन महल, कलश हवन महल, ये सभी आपको पढ़ना है घर में। ओके, मम्मी पापा का जान मत खाना है। ओके, क म र कमर। अच्छा बच्चों, कमर, क म र कमर। सो नी ओदुवाग ई तर हेळबेकु। ओके, ड ड ग र डगर, प ल क पलक, ग ग न गगन, प ल ट पलट, क न क कनक। तीन अक्षरों से बने शब्द। ओके, सो अभी पेज नंबर देखिए बच्चों, यहाँ पर पेज नंबर 32 बत्तीस। ओके, हिंदी में 32 कहते हैं, 32 नंबर को 32 बोलते हैं। ओके, ये पिक्चर क्या है बच्चों, क्या है ये? हम तो कहते हैं डक, राइट, इंग्लिश में कहते हैं डक। डक को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बत्तख कहते हैं। क्या है? बत्तख। और नहर, रबड़, सी रबड़, बत्तख नहर रबड़। ओके, सो आपको है ना होमवर्क बुक है ना आप सभी के पास, तो देखिए ऐसे इसको ट्रेस करते हैं। ऐसे पहले हम इसको ट्रेस कर लेंगे, ऐसे करने के बाद हमें ऐसे करना है। यहाँ पे देखो, ये तीन अक्षर हो गए ना, एक दो तीन, आपने सीखा है ना, दो अक्षर वाले शब्द भी आपने सीखा है ना, तो उसी तरह इस हमें तीन अक्षरों को मिला के एक शब्द बनाना है। तो ये बन गया बत्तख, ब त ख बत्तख, ब त ख। सो ये आपको प्रैक्टिस करना है बच्चों, और आप हिंदी में जब हिंदी क्लास चलती है तो हिंदी में पढ़ना लिखना सीखना है ना। तो दूसरा क्या है? नहर। क्या है बच्चों? नहर। एलारू हेलता बरीबेको, बोलते हुए लिखना है बच्चों, न ह र नहर। नहर। सो इसी तरह ये सारे शब्दों को पूरा करना है। ओके, नहर तो रबड़। सो इसको आप लिख लोगे ना, इसको मैं नहीं बताऊंगी, आप ही को लिखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे र ब ड रबड़। ओके, यहाँ पे देखिए भ व न भवन, भ व न भवन, क ल म कलम। कलम बोले तो क्या है? कलम मतलब पेन, पेन को कलम कहते हैं। ओके, र
ग ड रगड़, स ड क सड़क, न ग र नगर, ड ग र डगर, भवन, कलम, रगड़, सड़क, नगर, डगर। ओके, चलिए अभी मैं आपको ये लिखना सिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर ब प्लस त प्लस ख। ओके, नेक्स्ट न प्लस ह प्लस र नहर। र प्लस ब प्लस ड ओके बच्चों, ये हो गया ब प्लस त प्लस ख, न प्लस ह प्लस र, र प्लस ब प्लस ड। चलिए हम इसको जोड़कर लिखेंगे, जैसे कि मिलाकर लिखेंगे। देखिए ब त ख बतख। अच्छा, अभी न ह र नहर। देखिए ऐसे लिखना है, पहले नीचे वाला लिख लेना है, बाद में ऊपर से सभी को एक सिंगल लाइन में जोड़ना है। ओके, र ब ड रबड़। ओके, आप ये सभी पहले इस बुक में लिखना है, उसके बाद आपके पास क्लास वर्क बुक है ना बच्चों, उस बुक में प्रैक्टिस करना है, लिखना है फिर से, उसके बाद होमवर्क बुक में लिखना है। अच्छा, अभी मैं दूसरा वाला लिखती हूँ। चलिए, अच्छा तो चलिए अभी हम पेज नंबर 33 वाला पढ़ लेंगे और लिख भी लेंगे। ओके, भवन, कलम, रगड़, सड़क, नगर, डगर। चलिए हम लिखेंगे यहाँ पे भ प्लस व प्लस न। ओके, कलम अभी लिखेंगे क प्लस ल प्लस म, कलम। ओके, रगड़ र प्लस ग प्लस रगड़। स प्लस ड प्लस क सड़क।
चलिए अभी क्या है, नगर, न ग प्लस र, नगर, डगर, ड प्लस ग प्लस र, डगर। तो बच्चों ये रहा, ये सभी एक एक लफ्ज है ना, तो हम इसको जोड़ कर लिखेंगे, जैसे कि मिला कर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर भ व न, भवन, देखिए भ व न भवन, क ल म, ये रहा क, ये रहा ल और ये रहा म। तो हम यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे, दिख रहा है आपको, कलम, रगड़, र ग ड, रगड़। अच्छा, सड़क, स ड सड़क, सड़क, नगर, न ग र नगर, ड ग र डगर। चलिए बच्चों अभी एक बार पढ़ लेंगे, भवन, कलम, रगड़, सड़क, नगर, डगर। तो ये सभी आप लिखोगे ना, तो क्लासवर्क नोटबुक में लिखकर सोलेहा मैम के नंबर को भेज दो। ओके बच्चों, जब तक बाय बाय।